अस्सलाम वालेकुम। एमए फाइनल उर्दू की क्लास में आप सभी का एक बार फिर इस्तकबाल है। हम बात कर रहे थे पतरस बुखारी की मज़ा निगारी के ख़ास पहलू, उनमें फ़नी तकमील, खालिश मज़ा, अपना आप ही निशाना, इन सब बातों और इन सब पहलुओं को जब हमने देखा तो एक बात नज़र आई कि पतरस बुखारी अपने मजामीन में अपने ख़्यालों को इस कदर रखते हैं, इस कदर तहरीर में लाते हैं कि उनका हर लफ्ज़ हमें हंसने के साथ साथ फ़िक्र के लिए भी या सोचने के लिए भी मजबूर करता है। हम हंसते हैं और हंसते हंसते सोचने लग जाते हैं। इनके मजामीन में मज़ा के अंसर के साथ एक मकसद भी छुपा होता है। पतरस बुखारी उस मकसद को जाहिर नहीं करते, लेकिन कारी जब इनके मजमून को मुकम्मल करके और तन्हा होकर बैठता है तो उनका हर लफ्ज़ उसे ये सोचने पे मजबूर करता है कि भले ही इन्होंने हंसी की आड़ में या मज़ा की आड़ में अपने आप को निशाना बनाकर ये बात कही हो, लेकिन वो अपनी तहरीरों में समाज के उन पहलुओं को पोशीदा तौर पर रख देते हैं, और चाहे वो समाज की कमज़ोरी हो, जैसे मरहूम की याद में उसमें उनका एक दोस्त एक साइकिल उनके कंधे पे ला देता है, एक दोस्त उनको धोखा देता है और अपनी टूटी फूटी पुरानी साइकिल पतरस बुखारी को दे देता है, और पतरस बुखारी इस मजमून में उस साइकिल और अपने दोस्त और ख़ुद को किस तरह बयां करते हैं कि हम हंसते हंसते एक मकसद की तरफ पहुंच जाते हैं। उसी में हम बात कर रहे थे, जैसे हमने फ़नी तकमील को देखा, अपने आप को निशाना बनाना और इनके मजमून में सिर्फ मज़ा के अंसर नज़र आना। उसी पहलुओं में एक और पहलू है ख्याल की नुदरत। ख्याल का अछूतापन कोई ऐसा वाकया जो कारी को हंसाए, उसे महजूज करे, या कोई ऐसी बात जिसे सुनकर कारी के जहन में गुदगुदी पैदा हो और वो हंस पड़े, ये वो तरीका है जिसे पतरस अख्तियार करते हैं। ज़राफ़त पैदा करने के दो तरीके हैं, लफ्ज़ों के उलटफेर से या वाक्य से। जिस ज़राफ़त का दारोमदार महज लफ्ज़ों पर हो वो मामूली दर्जे की ज़राफ़त कहलाती है। आला दर्जे की ज़राफ़त वो है जो ख़याल के अछूतेपन या किसी दिलचस्प वाक्य के बयान से पैदा की जाए। लेकिन लफ्ज़ और किस्सा दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। पतरस बुखारी मामूली से वाक्यात को भी लफ्ज़ों के उलटफेर से इस तरह पेश करते हैं कि लामहला हंसी आ जाती है। मिसाल के तौर पर इनका मजमून, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, मरहूम की याद में। इनका एक दोस्त मिर्ज़ा शहाब अपनी पुरानी अजकार रफ्ता साइकिल मुसन्निफ़ के सर मंड देता है। इसको पतरस कुछ इस तरह बयां करते हैं, आखिरकार बाईसाइकिल पर सवार हो, यानी वो साइकिल पे सवार होते हैं, पहला ही पांव चलाया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुर्दा अपनी हड्डियां चटका चटका कर अपनी मर्जी के खिलाफ जिंदा हो रहा हो। जंजीर ढीली ढीली थी, मैं जब कभी पैडल पर जोर डालता जंजीर में एक अंगड़ाई सी पैदा होती जिससे वो तन जाती और चढ़ चढ़ बोलने लगती, फिर ढीली हो जाती। पिछला पहिया घूमने के अलावा झूमता भी था, यानी एक तो आगे को चलता था, दूसरा दाएं से बाएं और बाएं से दाएं को भी हरकत करता था, चुनांचे सड़क पर जो निशान पड़ता जाता था। इसे देखकर यूं लगता था जैसे कोई
मखमूर सांप लहरा के गुजर गया है, यानी जिस तरह सांप के चलने के बाद जो निशान पड़ जाते हैं वैसे ही उस पहिए के निशान पड़ रहे हैं। तो किस तरह उन्होंने एक मज़ा के आंसर के साथ अपने बात को लफ्ज़ों के उलट फेर से, लफ्ज़ों के इंतखाब से कितना मजाया खेज या मज़ेदार बना दिया है कि हम पढ़कर अपनी हंसी को रोक नहीं पाते। आखिरकार अब उसी में आगे वो लिखते हैं कि आखिरकार वो साइकिल से परेशान होकर उसे बेचकर छुटकारा पाने के लिए दुकानदार के पास ले जाते हैं। फिर जो कुछ पेश आता है वो उनकी ज़ुबानी सुनी। दुकानदार ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा कि मुझे ये महसूस हुआ जैसे मुझ पर चोरी का शुबा कर रहा है। फिर बाइसिकल को देखा, फिर मुझे देखा, फिर बाइसिकल को देखा। ऐसा मालूम होता था कि फैसला नहीं कर सकता था कि आदमी कौन है और बाइसिकल कौन सी है। इसलिए रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है, हंस हंस कर मार डालने का गुर पतरस को खूब आता है। इसी पहलू में अगला पहलू है लफ्ज़ों का इंतखाब। लफ्ज़ों के इंतखाब का पतरस को बड़ा सलीका है। गौर व फिक्र और मुसलसल मश्क ने इन्हें लफ्ज़ों का पारखी बना दिया था। कामयाब अदब पारा वो है जिसमें ख्याल और लफ्ज़ दोनों एक दूसरे में इस कदर गुथे हुए हों कि इन्हें अलग ना किया जा सके। पतरस को ये हुनर आता है। नमूने के तौर पर मजामी ने पतरस के दिबाचे का ये इकतबास देखी। वो अपने ही दिबाचे में लिखते हैं, अगर ये किताब आपको किसी ने मुफ्त भेजी है तो मुझ पर एहसान किया है। अगर आपने कहीं से चुराई है तो मैं आपके जोक की दाद देता हूँ, और आपने पैसों से खरीदी है तो मुझे आपसे हमदर्दी है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह अपने ही दिबाचे में, अपने ही मजामीन के बारे में, अपने ही किताब के बारे में एक नए अंदाज के साथ वो अपने किताब की खसूसियात और अपने किताब के बारे में लिख रहे हैं और कारी को मजबूर कर रहे हैं कि वो इस किताब को पढ़े। लेकिन एक कारी के साथ वो हमदर्दाना या हमदर्दी के साथ भी पेश आ रहे हैं कि अगर ये किताब आपको किसी ने मुफ्त भेजी तो मुझ पर एहसान किया है कि मुझ जैसे नाचीज की किताब भी कोई आपको मुफ्त में दे रहा है। अगर आपने इसे चुराई है तो मैं आपके जोक की दाद देता हूँ। अगर आप इसे चुरा कर लाए हैं तो मैं आपको दाद देता हूँ कि मेरी किताब पढ़ने में पढ़ने का आप जोक रखते हैं। आपने पैसों से खरीदी है तो मुझे आपसे हमदर्दी है। अगला पहलू है फिक्र अंगेजी। कामयाब ज़राफ़त वो है जो हंसाए लेकिन साथ साथ फिक्र को बेदार भी करें। पतरस जिंदगी की छोटी छोटी बातों को चुनते हैं, उनमें मजायका खेजी का पहलू तलाश करते हैं और इन्हें ऐसे पुरलुत्फ़ अंदाज से पेश कर देते हैं कि कारी पढ़ते पढ़ते हंसता है और हंसते हंसते सोचने लगता है। ये इनकी फ़न की अजमत की दलील है। मरहूम की याद में बेहद दिलचस्प मजमून है, लेकिन इससे ये अरफान भी हासिल होता है कि मिर्ज़ा के पर्दे में हज़ार ऐसे चालाक लोग हैं जो दोस्ती की आड़ में भोले भाले लोगों को ठग लेते हैं। इस तरह सवेरे जो कल आँख मेरी खुली से जफा कशी की तालीम हासिल होती है कि मेहनत करो और जो मेहनत करेगा उसी को ही कामयाबी हासिल होगी। कामयाब फन पारा फिक्र को बेदार जरूर करता है, मगर इस तरह की इस पर पंद व नसीहत या लेक्चरबाजी का शुबा तक नहीं होता। पतरस की मज़ा निगारी का यही आर्ट है। और पतरस के की मजाया निगारी का जो आखिरी पहलू है वो है पैरोडी निगारी। पतरस बुखारी ने दो पैरोडियाँ लिखी हैं। पैरोडी को दरअसल उर्दू अदब में तहरीफ कहते हैं, जिसके मानी है उलट देना। किसी तसनीफ को इस तरह उलट देना यानी लफ्ज़ों की उलट फेर करना या मवाद में ऐसा फेर बदल करना कि उस तसनीफ की एक मजायका खेज सूरत सामने आ जाए। पतरस ने उर्दू की आखिरी किताब और लाहौर का जुग्राफिया के नाम से दो पैरोडी लिखी। दरअसल मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने पंजाब के महकमा तालीम के हुक्म पर एक उर्दू रीडर तैयार की थी जिसका नाम था सरवर्क पर माँ बच्चे को गोद में लिए बैठी। इसे सब माँ बच्चों की किताब कहने लगे। पतरस ने इसकी पैरोडी उर्दू की आखिरी किताब के नाम से की
जो बहुत पसंद की गई, जिसका आगाज यूं होता है, माँ बच्चे को लिए बैठी है, बाप अंगूठा चूस रहा है और देख देख कर खुश होता है। तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह लफ्ज़ों के फेर बदल से, उलट फेर से एक मज़ा पैदा कर दिया है। इसी तरह लाहौर का जुग्राफिया एक ऐसी पैरोडी है जिसका लुत्फ वही ले सकता है जिसने पुराने ज़माने के की दर्सी किताबों में लाहौर का जुग्राफिया पढ़ी हो। बिल्कुल वही अंदाज, वही अल्फाज, बस मवाद मजाए का खेज हो जाता है कि वो किस तरह मजमून को बदल देते हैं। जैसे लाहौर के जुग्राफिया का में वो आबो हवा का जिक्र इस तरह करते हैं कि लाहौर की आबो हवा के मुतालिक तरह तरह की रिवायत मशहूर हैं जो तकरीबन सब गलत हैं। हकीकत यह है कि बाशिंदों ने हाल ही में ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि और शहरों की तरह हमें भी कुछ आबो हवा दी जाए, लेकिन बदकिस्मती से कमेटी के पास हवा की किल्लत थी, इसलिए लोगों को हिदायत की गई कि मफाद आमा के पेश नज़र अहले शहर हवा का बेजा इस्तेमाल ना करें, बल्कि जहां तक हो सके किफ़ायत शुआरी से काम लें। चुनांचे लाहौर में आम ज़रूरियात के लिए हवा की बजाय गर्द और ख़ास ख़ास हालात में धुआं इस्तेमाल किया जाता है। कमेटी ने जा बजा धुएँ और गर्द के मुहैया करने के लिए लाखों मरकज़ खोल दिए हैं। इनसे मुराद फैक्ट्रियों से है जिनसे धुआं निकलता है और पूरे लाहौर की आबो हवा जो वो आलूदा हो गई है। लेकिन उन्होंने किस अंदाज में अपनी बात को एक मज़ा की आड़ में पेश किया कि इस पर हम हंसते भी हैं और सोचते भी हैं। पतरस बुखारी हमारी जबान के बुलंद पाए फनकार हैं। खालिश मज़ा निगारी में आज तक उर्दू में कोई इनकी हमसरी ना कर सका। बहुत बहुत शुक्रिया।